हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, विजय हजार ट्रॉफी में सिलेक्शन कैसे होता है, ट्रायल कब होते हैं, ट्रायल कौन कौन दे सकता है, कौन से स्टेट में होते हैं ट्रायल, और दोस्तों आप लोग को सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आखिर तक देखो, और वीडियो को कर दो लाइक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों, काफ़ी सारे प्लेयर्स हमें कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि विजय हजार ट्रॉफी की सिलेक्शन प्रोसेस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाओ, तो हमने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। विजय हजार ट्रॉफी BCCI की एक ट्रॉफी है। तो दोस्तों, एज लिमिट क्या होती है? तो दोस्तों, एज लिमिट इसकी कोई नहीं होती है। विजय हजार ट्रॉफी के ट्रायल ओपन एज के होते हैं, जिसे हर कोई दे सकता है, और ये हर स्टेट में हर साल होते हैं। तो अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया ट्रायल में, तो आप लोग सिलेक्टेड सीनेजर में आ जाओगे और आप लोग विजय हजार ट्रॉफी खेल सकते हो। या आपने अंडर 19 या अंडर 23 खेला हुआ है अपने स्टेट के लिए और सिलेक्टेड सीनेजर में आप लोग आए हुए हो, तो आप लोग विजय हजार ट्रॉफी खेल सकते हो। इन दो तरीके से आप लोग विजय हजार ट्रॉफी खेल सकते हो। और अगर आपने विजय हजार ट्रॉफी खेला और तो आपको BCCI की तरफ से पैसे भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, BCCI आपको पैसे भी देता है विजय हजार ट्रॉफी खेलने के। तो दोस्तों, कितने पैसे देता है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, अपनी कोई भी राय कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।